गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करते हुए घरों में ठहरे होंगे। जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले अपना संदेश जारी किया था कि जो विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं से वंचित रह गए हैं उन्हें जोड़ने में सहायता करें, तो सभी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और मैं इस प्रयास के लिए सभी विद्यार्थियों का आभारी हूँ। और सरकार की तरफ से आदेश आने तक सभी बच्चे अपने घर बैठ करके अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें और सरकार ने पढ़ाई बाधित ना हो इसलिए कुछ टीवी जो चैनल्स हैं उनको भी दिखाने के लिए कहा है और वो चैनल जो है आपको ग्रुप के माध्यम से उनके जो नंबर हैं वो आप सभी बच्चों को भेज दिए जाएंगे और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर अच्छी तरह से जारी रखें और जो बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं उन बच्चों को शत प्रतिशत जोड़ने में हमारी सहायता करें। हम विद्यार्थियों से फ़ोन करके उनकी पढ़ाई के बारे में कैसे चल रही है उसके बारे में हम जानकारी भी ले रहे हैं। आज भी हम कुछ विद्यार्थियों से फ़ोन करके उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। हेलो हेलो साहिल, हाँ बेटा, क्लास कौन सी आपकी? क्लास कौन सी आपकी? सर प्लस टू आर्ट्स। हाँ, पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? सर ठीक चल रही है। पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं नहीं सर, टाइम से आ रहे हैं सर वो। आप पहली बार ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? सर वैसा ही लग रहा है सर, कुछ इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा। इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा है? और नहीं, सर वैसा ही लग रहा है एकदम। और जैसा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो और एक आप क्लासरूम के अंदर पढ़ते हो, इन दोनों में आपको क्या अंतर लग रहा है, क्या मतलब आप इस चीज में देखते हैं? सर वो वैसे तो क्लास में डिस्टरबेंस होती रहती है तो वो कुछ हो जाता है और इसमें आपको एकांत माहौल मिल रहा है। हाँ, एकदम शांत माहौल मिल रहा है। अच्छा अच्छा लगता है सर पढ़ के। अच्छा, हाँ थैंक यू बेटा, धन्यवाद। ठीक है सर। अब हम एक अन्य विद्यार्थी से फोन पे कांटेक्ट करके उसकी पढ़ाई के बारे में जानेंगे। हाँ बेटा, आपकी क्लास कौन सी है? प्लस टू आर्ट। अच्छा, आपका नाम बताइए बेटा। निशा वर्मा। अच्छा बेटा, जो आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है उसके बारे में आपको कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है सर, समझ में आ रहा है। एक जो आप कक्षा में पढ़ते हो और एक जो आप घर ऑनलाइन जो पढ़ रहे हो, इनमें आपको कैसा, दोनों में कैसा लग रहा है, कैसा आप इसके बारे में आपके व्यूज क्या हैं? सर वैसा तो नहीं है सर, जैसे क्लास में होता है कि हम कुछ पूछ नहीं सकते, पर वैसे समझ आ रहा है सर, नॉर्मली बढ़िया है। समझ आ रहा है, टीचर बढ़िया से पढ़ा रहे हैं। यस सर। और घर पे रहना है, जैसे कि सरकार ने भी आदेश दिया है कि कुछ टीवी चैनल जो है वो भी जो है टीवी के ऊपर दिखाएंगे, वो नंबर हम आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे तो उनको भी आप देखने की कोशिश करें। और धन्यवाद। हमने कुछ विद्यार्थियों के जो विचार हैं वो फोन के माध्यम से जाने हैं और उनको ये भी बताया कि सरकार ने भी कुछ चैनल को जारी किया है जिसके माध्यम से भी वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। जो चैनल जारी किए गए उनको मैं बता रहा हूँ। D2H चैनल के जो नंबर्स हैं उनमें टाटा स्काई जो है उसमें 946 से लेकर के 950 तक नंबर हैं। एयरटेल जो है उसके लिए 437 से 439 नंबर तक हैं और वीडियोकॉन के लिए 475 से 477 तक हैं और फास्ट वे के लिए 296 से 299 तक है। सभी विद्यार्थी स्कूल के द्वारा कक्षाएं जो शुरू की गई हैं वहां से पढ़ाई जारी रखें और इन चैनल के माध्यम से भी आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकते हैं। धन्यवाद।